हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करते हैं बात आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 27 अप्रैल सन 2023 दिन बृहस्पतिवार संवत 2080 का है। हिंदी का महीना वैशाख का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी और नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु, योग रहेगा धरती और करण होगा वाणिज्य और राशि होगी आज कर्क। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 2:02 से लेकर के शाम 3:39 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है उसका समय है दोपहर 12:00 से, यानी कि 12:01 से लेकर के दोपहर 12:49 तक। और इसके अतिरिक्त आज गुरु पुष्य योग है जो कि प्रातः 7:00 के बाद आरंभ होगा। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। तो साथियों, आप मेष राशि के जो जातक हैं, आपके लिए यात्रा या अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा माहौल आपके लिए रहेगा, उससे आपको शांति और सुकून मिलेगा। चाहे आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप अपने रोजगार से संबंधित अपने कार्यालय में हैं, और कहीं पर अगर अपना निवेश वगैरह भी कर रहे हैं पैसे का, तो वो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार करना पसंद करेंगे और वहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न भी प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपके पास रोजगार नहीं है, रोजगार प्राप्त करने की दिशा में आप कुछ अपने प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अप्रत्याशित लाभ भी कहीं ना कहीं से इसकी भी संभावना बन रही है होने की। बस इतना ध्यान रखें कि कोई जोखिम भरा कार्य ना करें, किसी भी कार्य में कोई रिस्क ज़्यादा ना लें। धर्म के कार्यों में रुचि आपके मनोबल को काफ़ी ऊंचा करेगी। मिलनसार और धैर्यवान प्रवृत्ति जीवन में आपको आनंद का संचार आपके अंदर करेगी। कई दिनों से कहीं से रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। उपाय आप करें, आज किसी से थोड़ी कहासुनी जरूर हो सकती है, इससे बचने के लिए किसी गरीब को कच्चे कोयले आप दान कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए आज 7। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। साथियों, आज के दिन जो भी व्यवसाय आप करते हैं, चाहे रोजगार या व्यापार, आपका बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। और कोई पुराना मित्र या आपका कोई संबंधी रिलेटिव, उससे आपकी मुलाकात बड़ी सुखद मुलाकात रहेगी। उनके ऊपर आपके धन का व्यय भी होगा, लेकिन उसके बावजूद मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। व्यापार में आप कुछ नए एग्रीमेंट, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट आदि कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और आपके जो परिश्रम है उसका भी उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने जो परिजन हैं उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं की ओर थोड़ा ध्यान आपको अधिक देना पड़ेगा। उपाय आप करें, भैरव मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाएं, आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए 4। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। तो साथियों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के साथ आपका कुछ विवाद होने की संभावना है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है और आज फालतू में आपका धन का व्यय भी हो सकता है। और कोई पुरानी बीमारी के कारण आप परेशान हो सकते हैं, वो दोबारा उभर सकती है। और हम आपसे इतना ही कहेंगे कि किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य को लेकर के कोई रिस्क आप बिल्कुल ना लें। आज अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद भी आपके संभव हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप सावधानी एवं सतर्कता से व्यापारिक जो भी एग्रीमेंट करते हैं, देख करके उसकी पूरी स्टडी करके, उसको पूरा एनालाइज करके तभी उसको फाइनलाइज करें, कोई भी व्यापारिक अनुबंध अगर है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक रहेगा। उपाय आप कर सकते हैं, चावल या चांदी माता से लेकर के अपने पास रखिएगा, आर्थिक उन्नति में आपके सहायक सिद्ध होगा ये।
शुभ रंग आपके लिए संतरी और शुभ अंक आपके लिए आज दो। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, तो साथियों बकाया वसूली के प्रयास सफल होंगे, यानी कि अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है और वो नहीं मिल पा रहा था, आज के दिन अगर आप उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं तो इस बात की काफी संभावना है कि वो पैसा आपको वापस प्राप्त हो जाए। यात्रा यदि आप कर रहे हैं या फिर आप जहां पर भी जॉब वगैरह करते हैं, जॉब में अगर आप हैं तो ऐसी जगहों से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, यात्रा सुखद रहेगी और पैसे का भी इन्वेस्टमेंट आप ऐसी जगह कर पाएंगे जहां से कुछ अच्छी रिटर्न आपको मिले। बस ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा रिस्क बिल्कुल ना लें। आज का दिन आपके लिए यूं तो शुभ रहने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है और आपकी जो स्थायी संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, उसमें भी वृद्धि होने के कुछ अच्छे संकेत हैं। रोजगार के भी कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज। परिवार में इसी कारण एक अच्छा खुशी का माहौल पैदा होगा। उपाय आप करें, अच्छी लव लाइफ अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी गरीब व्यक्ति को आप एक चमड़े का जूता, नया जूता उसको दान कर दीजिए। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए आज छह। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, प्रिय साथियों जितनी भी आप आज के दिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका आपको उसी मात्रा में रिजल्ट भी मिलेगा और जो योजनाएं आप बनाएंगे अपने आने वाले समय के लिए उनको भी आप बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेंगे और धन का आगमन आसानी से होता रहेगा। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी समाज में। बस कर्ज वगैरह लेने से बचिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और आज के दिन खर्चों में भी कुछ कमी आप करेंगे अपने। कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में ही होगा अगर कोई है तो, और प्रतिष्ठित जनों से मेलजोल में आपके बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा मेलजोल। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की तो स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बन सकती है। उपाय आप करें, बेड के चारों कोनों में छोटी छोटी तांबे की कील जरूर लगवाएं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा उपाय है। शुभ रंग सफेद, शुभ रंग नौ। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, आज चोट लगने की संभावना भी बनी हुई है आप कन्या राशि के जातकों के लिए, या कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है तो जरा रहिएगा सावधान। हाँ, इतना अवश्य है कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला अटका हुआ है, लंबित है किसी कानूनी अड़चन के कारण, तो वो आज कानूनी अड़चन दूर हो सकती है। और इसके साथ साथ आज के दिन आपकी धर्म कर्म में कुछ अधिक रुचि रहेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसे कार्यों में भी आपको लाभ होने की संभावना है और कुछ अच्छी योजनाएं भी आपके दिमाग में हैं जिनको आप एक तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। देखिए, उच्च और बौद्धिक वर्ग में विशेष सम्मान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए। भाइयों से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते और अपनी वस्तुएं जो भी आपके वैल्यूएबल्स हैं उनको बहुत संभाल करके रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो सकती है। उपाय आप करें, भ्रूण हत्या से बचिएगा। जी हाँ, गर्भवती स्त्री या जच्चा की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने पर ही आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए आज सात। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, साथियों कोई भी गलत लोगों की संगति में पड़ने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। और यदि आप वाहन चला रहे हैं या कोई मशीनरी आदि का कार्य कर रहे हैं, चलाने का, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि दुर्घटना घटने की संभावना बनी हुई है और उसके कारण आपको कोई चोट आदि भी लग सकती है। अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा और कोई भी जोखिम भरा कार्य आज के दिन ना करें। परेशानियों का मुकाबला करके भी लक्ष्य को हासिल आप जरूर करेंगे। वैसे तो व्यापारिक लाभ की भी अच्छी संभावना बनी हुई है और संतान के प्रति झुकाव भी आपका कुछ अधिक रहेगा। शिक्षा और ज्ञान में आपके होगी वृद्धि। उपाय आप करें, कन्याओं एवं कुलीन स्त्रियों का आदर करने से
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए आज 2। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, तो साथियों राजकीय सहयोग प्राप्त होगा, यानी कि सरकारी कोई दफ्तर में अगर आपका कोई काम काज रुका पड़ा है किसी कारणवश, वो आज पूरा होने की संभावना है। और प्रेम प्रसंग में भी अगर आप हैं तो वहां से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। व्यवसाय आपका सुचारू रूप से चलेगा। जायदाद संबंधी कोई भी समस्या अगर है तो उसके सुलझने के भी काफी अच्छे आसार हैं, और अनुकूल समाचारों की प्राप्ति आपको होगी तथा दिन आपका बहुत आनंदपूर्वक तरीके से व्यतीत होगा। जो भी नए संबंध आपके द्वारा बनाए जाएंगे वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लाभ देंगे। उपाय आप कर सकते हैं, अपने सगे भाइयों के प्रति मन में किसी प्रकार की जलसी की भावना या किसी प्रकार का कोई मैल बिल्कुल ना रखें, एवं किसी भी तरीके के अपशब्द कहने से भी आपको बचना चाहिए। यही उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर और मजबूत करेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए आज 3। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, तो साथियों संपत्ति से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें लाभ की प्राप्ति आप धनु लग्न राशि के जातकों को होने की पूरी संभावना बन रही है, और आपके लिए उन्नति के मार्ग भी कुछ नए उन्नति के मार्ग खुलेंगे, उसके कारण आपका मन बहुत अत्यधिक प्रसन्न रहेगा। धैर्य एवं शांति से आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद को निपटा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़े शांति से निपटा सकते हैं आप। और किसी भी प्रकार का कोई दुस्साहस या कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे बात बिगड़ जाए। नए विचार योजनाओं पर चर्चा करेंगे दूसरों के साथ, और स्वयं की प्रतिष्ठा व सम्मान के अनुरूप कार्य आपके हो पाएंगे। उपाय आप करें, अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए पत्नी का मान सम्मान और आदर अवश्य करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक आपके लिए आज 5। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन, देखिए साथियों किसी भी आनंदोत्सव में भाग लेने का एक अच्छा मौका आज के दिन मिल सकता है आपको, और बौद्धिक कार्य सफल होंगे, यानी कि बुद्धि द्वारा जो भी कार्य आप करना चाहेंगे जहां पर पूरा तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल होता है वो आप पूरी तरीके से उन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे, जिसके वजह से आपको लाभ भी हो सकता है अच्छा। और धन संचय की बात पर भी आप विचार करेंगे कि कैसे अपने पैसे को आप सेव कर सकते हैं। परिवार के कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है, और रुका कार्य होने से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक सलाह अगर आपको आवश्यकता है तो किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से जरूर लेनी चाहिए। उपाय आप करें, रोजाना हरी घास पर नंगे पांव अगर आप सैर करेंगे, घूमेंगे, चलेंगे तो ये आपकी कहीं ना कहीं पैसे की स्थिति को, धन की स्थिति को मजबूत करेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक आपके लिए आज 1। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, प्रिय साथियों आप कुंभ राशि के जातकों को कहीं से कोई ऐसा अप्रिय समाचार मिल सकता है जिसके कारण आपका मन अशांत हो जाए, और आज के दिन व्यर्थ की दौड़ धूप भी अधिक रहेगी, लेकिन उसके कारण आप इरिटेट ना हो और अपनी वाणी को भी नियंत्रण में रखें। हाँ इतना जरूर है कि थकान तो जरूर महसूस करेंगे। व्यापार व्यवसाय तो आपका पूरी तरीके से संतोषप्रद रहेगा, और आपसी संबंधों को अधिक महत्व देना आपकी, मैं कहता हूँ, प्राथमिकता में होना चाहिए। अल्प परिश्रम से ही लाभ होने की संभावना बनी हुई है, थोड़ी भी मेहनत अगर आप करेंगे कायदे से सही तरीके से तो उससे भी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। खर्चों में कमी करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, बाकी का दिन आपका व्यस्तता में निकलेगा। उपाय आप करें, किसी साधु या अपंग व्यक्ति को चारपाई का दान करिए, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 8। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन, तो प्रिय साथियों मेहनत जितनी आप करेंगे आज उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, यानी कि उसके अनुपात में फल आपको कम प्राप्त होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि जो भी कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, आपके द्वारा किए गए कार्यों की और लिए गए निर्णयों की बहुत ही भूरी प्रशंसा दूसरों के द्वारा की जाएगी। धन का आगमन आसानी से होता रहेगा आज के दिन, प्रसन्न रहेगा मन आपका पूरे दिन, और संतान की शिक्षा की चिंता भी समाप्त होगी, उनकी शिक्षा को लेकर के जो थोड़ी बहुत टेंशन माइंड में था वो भी दूर होगा।
व्यापार व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति के अच्छे संकेत बने हुए हैं। महत्व के कार्य को समय पर ही पूरा करें, जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं आपके, जो भी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं जो आपको असाइन किए गए हैं या आपने अपने हाथ में लिए हैं, उनको आप समय पर पूरा करने की कोशिश करें। और व्यावसायिक श्रेष्ठता का भी आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। उपाय आप करें मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, आज किसी अस्पताल आदि में रोगी व्यक्तियों की मदद अगर आप करेंगे तो ऐसा करने से आत्मसंतुष्टि बहुत अत्यधिक मात्रा में आपको मिलने वाली है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए आज 3। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 27 अप्रैल सन 2023 दिन बृहस्पतिवार संवत 2080 का। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत होगा। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि जब हमको अपनी वाणी को देना होगा यहाँ पर विराम और अपने आप सभी मित्रों से लेनी होगी इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।